स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं और मेरे दोस्त ने एक प्लान बनाया था कहीं जाने का, तो ये शायद 2-3 दिन की ट्रिप होने वाली है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, कल ही हम दिल्ली से पहुंचे थे, तो अभी देखते हैं हम कितने बजे तक निकलते हैं और कहां आज कहां हम पहुंचेंगे। हम रुके थे अभी मार्केट में हेलमेट लेने के लिए, तो क्योंकि नैनीताल में 2 हेलमेट लगते हैं। तो कैसे लग रहा है टोल पे इतनी भीड़ कब से होने लगी? ये वो बॉर्डर तो नहीं है कंट्री का? बाइकों का फायदा, नो टोल टैक्स। भाई साहब हरिद्वार में भी कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। यहाँ से पेट्रोल की प्यास बुझाई, यहाँ से हमने अपनी प्यास बुझाई, और यहाँ से है 40 किलोमीटर निजामाबाद। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं आज। वैसे हम बहुत लेट चले, आधे हम इधर उधर गुम हो गए, सब कुछ ही डिले हो रहा है। हमने लिया हुआ एक छोटा सा ब्रेक, गाड़ी हमने बहुत देर से चला रहे थे गाड़ी, तो अब हम थक गया थोड़ा सा, और धूप में तो भाई इतना सर दर्द कर दिया है। 6 घंटे से कंटिन्यू गाड़ी चल रही है, और धूप ऐसी कड़क। टाइम हो रहा है यहाँ पे 5, अभी देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचेंगे। रामपुर तक पहुँचने का हमारा इरादा है। तो फिर हम वापस चलते हुए अपनी मंजिल की ओर। तो ये जगह है जहाँ पे हम रुके थे कभी खाना खाने के लिए, अच्छी सर्विस है। अब जाके थोड़ी सी धूप कम हुई है तो अच्छा लग रहा है थोड़ा गाड़ी गुड़ी जो चलने में, मतलब सुबह से तो जो धूप थी ना बहुत गर्मी थी यार भाई, अपना उत्तराखंड बढ़िया। अब तो शाम हो चुकी है ना थोड़ा, तो ठीक है कि धूप जला नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, वरना तो भाई साहब जो रास्ते में हमने झेला है ना, तो हमारी धनों गर्म हो चुकी है। सर्दियों में आग सेक लिया करेंगे हम इसी से। गाड़ी बढ़िया भाग रही है। तो टाइम हो चुका है यहाँ पे 6:45 और हम हैं काशीपुर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। पर ये जो मौसम है अब चलने लगी है यहाँ पे ठंडी हवा, तो ये अगर हमारे पूरे रास्ते पे चलती तो अब तो हमें मज़ा ही आ जाता। क्या कहना चाहोगे भाई? सीट ख़राब है बहुत, सीट तो ख़राब है, पर ठीक है अब गर्मी गर्मी से तो मिली हमें राहत बहुत ज़्यादा। तो अभी 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 यहाँ पे बारिश हुई है, किसकी? कीड़ों की। हम पहुंच चुके हैं रामनगर। पहले हम रुक रहे थे काशीपुर में, पर फिर हमने सोचा टाइम था तो हम इधर ही इसको आगे, क्योंकि यहाँ से अब 64 किलोमीटर है हमारे नैनीताल। तो हमारा स्टे है आज यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय टूरिस्ट गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है खाली, लेकिन प्राइवेट के पैसे काटते हैं। हाँ प्राइवेट के पैसे काटते हैं अभी, प्राइवेट ने पैसे 1000-1200 मिलेगा नॉन एसी रूम वो भी। अभी रूम दिखाएंगे हम इसके बाद, अभी थोड़ा थोड़ा खा के आते हैं पहले खाना खुना, फिर काम चलो। तो लोग भले देहरादून से यहाँ आ जाए, नैनीताल आ जाए, पर खाने में सबने मोमो ही होते हैं। तो हमारा रात का खाना चिकन और चावल एंड IPL। तो ये हमारे शाही रूम की चाबी, ये पानी लाता हुआ इंसान, ये हमारे ओह ये मुझे पानी वाला बनाया है गाइस। ये हम थोड़ी देर पहले आए थे, थोड़ा खाने पीने का सामान रख के चले गए थे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा day 2 है अभी रामनगर में। यहाँ से नैनीताल 64 किलोमीटर दूर, पर बाहर अभी बहुत तेज धूप हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 9। मैं आपको बाहर की धूप दिखाता हूँ। हमने सोचा था फिर से कि हम 8 बजे निकल जाएंगे, पर वही फिर से वही हुआ हमारे साथ। तो ये देखिए धूप ठीक है, पूरा मैस हो रखा है यहाँ पे। हम रूम छोड़ते हुए अभी चेकआउट करते हुए हमारी सारी चाबी, तो हम यहाँ पे जाने को तैयार। अभी शोर आ रहा होगा महंगा बाइक का। हमारा रूम पड़ा था 1109 का, पर अगर आप
चाहो तो ऑनलाइन बुक कर सकते हो। हम तो लेट चले तो हमारा कोई पता नहीं था हम कहाँ तक पहुँचेंगे। कहाँ था पहले, हमने काशीपुर सोचा था रुकने की, तो फिर हम वहाँ से हमने सोचा थोड़ा और चल सकते हैं, तो फिर हम यहाँ तक आ गए थे। तो अगर आपने करना होगा रूम वो तो ऑनलाइन देख लेना पहले, वरना हमें क्योंकि रात को हमें तो 25-3 हज़ार रुपये के रूम मिल रहे थे, तो हमें ये रूम सबसे थोड़ा ठीक लगा था। तो चलो चलते हैं फिर नैनीताल की ओर। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे कॉर्बेट वाटरफॉल देखने के लिए। हमारे दो बंदों का टिकट लगा 50-50 और गाड़ी का 50 है, तो देखते हैं कैसा होगा आगे। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे कॉर्बेट फॉल देखने के लिए। फॉरगेट वालों ने तो मना कर दिया यार, नहाते होते हैं नहाते होते हैं नहीं, क्योंकि आप कह रहे 15 मई को दो बच्चे डूब गए थे इसमें यही रुद्रपुर के, तो तब से मना कर दिया है नहाने के लिए। तो चलो फॉल तो देख ही लेंगे चल के, और आपको भी दिखाएंगे। ये झरना है अबे, ऐसे तो ट्रैक में बहुत इतने सारे दिखते हैं, इससे खतरनाक वहाँ नहीं था जब मैं नहीं समझ रहा था। आप लोग आ सकते हैं देखने के लिए, पर हमारे मतलब जो झरने वरने देखता रहता है ट्रैक में जाता रहता है वो ना है तो ठीक है, इतना खास नहीं है नहीं, जो देखा नहीं निकला तो बढ़िया है। चलो फिर 2 सेकंड में बोर होके हम चले वापस की ओर। तो कैसा लगा फिर कॉर्बेट वाटरफॉल? व्यू बढ़िया है, जो बोलो जंगल है, मज़ा आ रहा है। ठीक करा यार, लोग कबाड़ा पकड़ा फैला देते हैं, सही कर रहेगा। ये सारे बूढ़े आदमी ने मुझे इतना बड़ा बैग दे रखा और खुद इतना सा बैग लेके घूम रहा है ये। मैं हर ट्रैक में इतना बड़ा बैग लेके घूमता रहता हूँ और इतना छोटा सा बैग लेके घूमता रहता है। चल पता नहीं क्या हो रहा है बैग सामने, म्यूजियम इधर उधर पूछ रहे। अब ये म्यूजियम भी दूसरा है, ये जिम कॉर्पोरेट है, ये मदर है। चल अंदर चल। अच्छा वो बाघ वाला वो उधर वाले उसमें है, उधर दूसरे वाले म्यूजियम में है वो बाघ। आ रही है आ रही है पुराने वो कप ये बैठने का है, ये तो दिखी थी मुझे फोटो में उस टाइम का बुक्स जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट बहुत बुक लिखी हुई, ये देखना नीचे लिखा हुआ 200 से ज़्यादा लोगों को जिन्होंने खाया था ना उन सबको मारा था, शेरों को मतलब कुमाऊ के शॉर्ट बहुत फेमस कहानी थी चंपावत वाली की, शॉर्ट बाय कॉम्पर है। मेरे को लगा था ये चंपावत वाला है ना, ये शायद शेर नहीं थी, इसने बहुत 436 बहुत लोग खाए थे। ये रहा भाई जिम कॉर्बेट, इसके यहाँ स्टैचू बनाया गया है और इसके बारे में पढ़ना हो तो ये पढ़ सकते हो आप स्टॉप करके। गाइस रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं हम नैनीताल की तरफ। छोटा थोड़ा कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, वो जूस पिया था एक फ्रॉड वाला। व्यू देखो नैनीताल यहाँ से है बस 20 किलोमीटर। तो ये जगह थी हम जहाँ पे रुके थे अभी, देख ग्रास फूड चल अच्छा था, विजिट करिए। हैं ये हम पता नहीं कहाँ पे है अभी, 10 किलोमीटर गया से सिर्फ नैनीताल। चलो नैनीताल ही चलते सीधा। तो ये देसी जुगाड़ स्पीकर टांग रखा है यहाँ पे। तो ये वाली राइड जो है ये 200 रुपये टिकट है, अभी हम किसी से पूछा सही है आप कर सकते हो आके। यहाँ पे नैनीताल से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, ये ऊपर से व्यू आता है वो एक झील एक ताल। हर जगह उतरने का यही घाटा होता है, सारा खड़ा चढ़ना पड़ता है। अच्छा अब ये फोटो खिंचा रहा है, तो आई लव नैनीताल था ना, ये पर पर्सन फोटो खिंचाने के 20 रुपये ले रहा था और कपल के लिए 30 रुपये, मस्त बिजनेस प्लान। तो हम नैनीताल पहुंच चुके हैं दोस्तों, बस भीड़ बहुत ज़्यादा है, इतना अच्छे ढंग से घुसे भी नहीं नैनीताल में और इतना ट्रैफिक। तो कम 15-20 मिनट हम खड़े रहे, CM साहब की गाड़ी जा रही थी तो मैं साइड में लगा के खड़ा कर रखा था उसको सबको, अब जाके जाम खुला है। 3 बजने वाले, 1 घंटे से रूम ढूंढ रहे थे, अब जाके हमें एक रूम मिला है, बजट रूम। वहाँ पे थोड़ा व्यू भी ठीक है आगे का, व्यू नहीं है अंदर है, झूठ बोल रहा था भाई।
व्यू पैदा लाके दिखेगा तो इतना तो होता है। रूम से क्यों बोल रहा है, रूम से नहीं है। तो ये रूम मिला है हमें, ये है रूम हमारा, अब ये 1500 में पड़ा है। यार बच्चे का टीवी चल चुका है, ये खुश हो गया। हमारे यहाँ से व्यू वो तुम्हारी बाइक ने टप जाए। ये यहाँ पे रूम देख रहा है, ऐसे सबके सारे दरवाजे खुले हुए इनके। तो ये है वो होटल जहाँ पे आज हमारा स्टे है, होटल शालीमार।